प्लास्टिक बैग्स यूज करना बंद कर दो, राइट। अपनी गाड़ियों में कपड़े के बैग रखो, सब्जी लेनी है कपड़ों के बैग में लो, स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। तुम या तो ड्रॉप द हैट, तुम लोग प्लास्टिक बैग लेते हो, और वो काले वाले तो बिल्कुल नहीं लेने। यू आर सफोकेटिंग, यू आर चोकिंग द रिवर्स एंड द वाटर सिस्टम्स। प्लीज स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। थोड़ा सा एफर्ट लो, कपड़े के बैग अपनी गाड़ियों में रखो, स्कूटर में रखो, डिग्गी में रखो। यू डोंट नो व्हेन यू विल हैव टू बाय समथिंग। आई हैव नॉट टेकन प्लास्टिक बैग्स। मैं मॉल्स में भी ऐसा बड़ा, इट लुक्स ऑड, बट ठीक है, कभी लाना भूल जाता हूँ, तो आई हैव माय पांच छह कपड़े इसमें, पांच छह कपड़े, एंड आई मूव इन द मॉल, इट्स ओके। शॉपिंग करिए, थोड़ा चोरी करके लाए, एंड यू मूव विद क्लोथ, और उस चक्कर में कम खरीद जाते हैं बिकॉज इतना उठाना पड़ता है। सो इट्स ओके, स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक बैग। सेकेंड, जब टैप खोलते हो ना, थोड़ा कम प्रेशर वाला खोलो। तुम्हारी भाइयों को तो बोलो, वो तो होलसेल में उनका बस चला तो इतना मोटा पाइप खोलेंगे, दे ओपन द टैप कि आपकी आवाज सुनाई नहीं देती उनको, इतनी आवाज आती है उस टैप में से। विद हाफ द प्रेशर यू दे कैन वॉश डिशेस। एक टैप जब दो मिनट खुलता है, चार लीटर पानी निकल जाता है, 4 liters। देयर सो मेनी विलेजेस इवन इन महाराष्ट्र जिनको ऐसे किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। सम ऑफ अस बिलोंग टू दोस प्लेसेस। यहां पर तुम्हारी अयाशी होती है पुणे में, जस्ट बिकॉज वाटर इज कमिंग फ्रीली। वी हैव रीच्ड अल्टीमेट कैपेसिटी टू स्टोर वाटर, डू यू नो दिस? हम इससे ज्यादा पानी स्टोर नहीं कर सकते जितना अभी हमारे पास पानी है, और यह पानी काफी नहीं है। वी डोंट हैव मोर स्टोरेज एरियाज। टेल योर भाई कम इस्तेमाल करेंगे, शेव करो मग में पानी लेके, डोंट ओपन द टैप एंड शेव। फ्यू थिंग्स विच यू कैन डू, अपने टॉयलेट के जो तुम्हारा फ्लश है, कीप सम बॉटल्स देयर पानी की, 250 ml की पानी भर के रख दो। दैट मच ऑफ वाटर विल बी स्टोर्ड लेस इन द टैंक एवरी टाइम यू फ्लश। और दिन में अगर 50 बार वो फ्लश होता है या 20 बार फ्लश होता है, और हर बार आधा लीटर पानी कम खर्च होता है, तो 20 बार के चक्कर में 10 लीटर पानी रोज कम जाएगा। 10 लीटर इंटू सो मेनी फैमिलीज हियर, हम इतना तो बचा लेंगे। यू कैन डू दैट। एंड थर्ड, अपने घर में वेट वेस्ट को रिसाइकिल करने का कुछ चक्कर चला। सो मेनी मंथ्स एंड ईयर्स आई डोंट नो व्हेन आई हैव सेंड माय वेट वेस्ट आउटसाइड। मेरे घर में ही मैंने लगाया हुआ है, माय वेट वेस्ट गोज इन, गीला कचरा जाता है, उसी की खाद बनती है, वही खाद हमारे पॉट्स में यूज हो जाती है। आई थिंक वी कैन डू दैट। आई एम नॉट आस्किंग फॉर लॉट्स, आई एम आस्किंग फॉर सिंपल थिंग्स विच वी कैन गिव बैक। आपको कोई रेवोल्यूशन नहीं करना, आपको आंदोलन नहीं चालू करना है कि हमने देश को अच्छा करना है। अपने घर में ये 2-3 चीज कर लो, आई थिंक दैट्स इनफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड एंड टू दिस कंट्री। लव यू ऑल, थैंक यू।